जिगर दाए दर्दानो दुनिया ते खिलार दया जिगर दाए दर्दानो खिलार दया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया देवार दया शबीर तेरे गम तो वार दया शबीर दिलों लोते तलवारा सन चलिया शबीर दिलों लोते तलवारा सन चलिया जहारा दलाल तो खरी बार मवार दया जहारा दलाल तो खरी बार मवार शबीर तेरे गम तो गम दुनिया देवार दया रब जाने सैयद दी अमशीत की रब जाने सैयद दी अमशीत की गुदरी रब जाने सैयद दी अमशीत की गुदरी सरवीर दपा झोली सवार दया सरवीर दा पाजोली जुलिफान सवार दया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया देवार अम्मान क्या सैयद ने मेरे लिए दुआ अम्मान क्या सैयद ने मेरे लिए दुआ करना मोहब्बत दा हरी करज उतार दया नाने दी मोहब्बत दा हरी करज उतार दया शबीर तो देवार दया असगर नो तफर करी के मैं अज तक नहीं भई सुनया ए मजमेले तवज्जो मेरे हाल करो मैं अज तक नहीं सुनया किसी दा पुत्र दुनिया तो जाए ते बाप कंदा देदा होवे
दफन करी के असगर असगर नो दफन करी के सैयद ने क्या ओए असगर सिगर 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 सैयद ने क्या मौला सौ असगर जे गावे तेरे नाम तुबार दया सौ असगर जे गावे तेरे नाम तुबार दया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया देवार दया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया देवार दया रब जाने सैयद दी अमशीर तेगी गुजरी अंदर चाती मार की होया सईदा जैनम खड़िया ने सब वीर शहीद हो गए करबला करबला रब जाने वस्तारो मार्डन ले वस्तारो रब जाने सैयद दी अमशीर तकी गुदरी ओए सरवीर दा पाजोली सर अकबर दा पाजोली सर असगर दा पाजोली सर अब्बास दा पाजोली जुल्फां सवार दया शबीर तेरे गा
मेरे करीम आका रहीम आका मुजम्मिल आका माई आका जिद आका जान आका नबियां दे सुल्तान आका रब दे मेहमान आका सारी कायनात दी जान आका मेरे सोने आकाम ने फरमाया हुसैन मेरे विचू है मैं हुसैन विचू हां करबला वापसी मैं बयान करनी है ते असी साहब मदीने तो करबला जाना है मैं करबला च लेके तुहानू मुल्के शाम च जाना है ते शाम तू मदीने लेके वापस आ गया मेरी सरकार ने फरमाया हुसैन मेरे विचू मैं हुसैन विचू सादा मिसाल देना चाहना जेडे जट बंदे हो तुहानू समझ आवे ए दस्तार मेरे विचू नहीं मेरे नाल है ए कपड़ा जेड़ा है मेरे विचू नहीं मेरे नाले ऐ जड़ा लिबास पाया है मेरे विचू नहीं मेरे नाले ऐ घड़ी जड़ी पाई है मेरे विचू नहीं मेरे नाले ऐ जड़ा हाथ है ना हाथ ये मेरे विचू है इनू दर्द होवेगा मेनू दर्द होवेगा ज़ौक नाल ज़ौक इनू तकलीफ हुई मेनू तकलीफ होगी मेरे सोने करीम आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया लोगो जिस हुसैन नु तकलीफ दीती सोने मुहम्मद नु तकलीफ दीती जिस हुसैन नु दुख दिता जिस हुसैन नु नाराज कीता नबियां दे सुल्तान नु नाराज कीता रब्बे जुल जलाल दी कसम जिदे नाल नबियां दे सुल्तान या हुसैन नाराज हो जान या हसन नाराज हो जान ओदा दुनिया दे अंदर भी बेड़ा तबाह हो जांदा माशर दे मैदान अंदर भी बेड़ा तबाह मैं कमीने यजीद तो गल शुरू कर लगा ताकि मैं घंटे सवा दे विच गल मुकावां तवज्जो हुण बोले कोई जवाना बड़ी तसल्ली दे नाल जदों एक कमीना तख्त ते बैठा है ना गल ही तू शुरू कर ला जदों एक कमीना तख्त ते बैठा है ना तख्त ते बांधया 3 साल ते 7 महीने इस हुकूमत कीती है कितनी कीती है 3 साल 7 महीने इस दुनिया दे जालिम ने कीती है हुकूमत पहला साल जदों आई ना इस 3 बड़े बड़े जुल्म कीते ने जेड़ा के साडे तक एक गल नहीं पहुंचाई जांदी मैं फकीर जा बंदा उलमा नु सईदा दे कदमां ते हाथ रख के मैं अर्ज कर लगा उलमा नु मैं सबक सुनाना है दुआ करो कि मैं सबक सुनांदा रब दी बारगाह च कामयाब हो जावां छोटा जिहा ज़ुल्म नहीं कीता अजे भी लोग इन्हू रहमतुल्लाह आखण ते शर्म आउणी चाहीदी है पहला तरीके तबरी उठा के वेख लो तरीके इस्लाम उठा के सारिया तरीक दियां किताबां उठा के वेख लो पहला इस ज़ुल्म दुनिया दे ज़ालिम सब तो वड्डा हरम नालू भी वड्डा ज़ुल्म इह कीता है कि मेरे नबी पाक सल्लम दे बेटियां नू शहीद कीता मेरे नबी पाक सल्लम दी बेटियां और जिन्हां दी चादर तहीर इंज करके सिर तो थोड़ी जी रिस्क जांदी है ही ना कसम पैदा कर उस वक्त सूरज पर्दा कर लेता है मेरे नबी पाक सल्लम दी नवासियां नू इस दुनिया दे जालिम ने चलाया कूफे कूफे तो लेके शाम शाम तो लेके सैयदादियां वापस आई जदों इहदा दूसरा साल हुकूमत आया ना दूसरा साल इस दुनिया दे जालिम ने मुस्लिम बिन उकबा उंदी कमांड दे अंदर 12,000 बंदा 12,000 जेड़ा हरामी है शराबी है बेईमान है फराडिया है ओदा कमांडर बना के मुस्लिम बिन उकबा नु मदीने भेजिया मदीने दी सरजमीन ते भेजिया आख्या 3 दिन तुहाडे वास्ते मदीना हलाल है जिथे चिड़ी पर नहीं मारदी अज शहादत सुनी सही जिथे चिड़ी पर नहीं मार सकदी जिथे कोई वली होवे कुतुब होवे गौस होवे उच्ची नहीं बोल सकदा जुरत नहीं के सरकार दे शहर दे विच जा सरकार दे रोजे कोल जाके उच्ची बोले जेड़ा भी बोलेगा उच्ची आवाज नाल माल जाया हो जांदे कुरान गोई देता इस दुनिया दे जालिम ने मुस्लिम बिन उकबा दी कमांड दे अंदर ए गल्ला तवज्जो नाल इस तो अगर तुहाडी मर्जी ना ते जिवें तुसा आख्या मैं इंशाल्लाह करबला वापसी उंज पढ़ के जांदा आ परेशान नहीं होना इस दुनिया दे जालिम ने 12,000 दा लश्कर या कमो बेश मुस्लिम बिन उकबा दी कमांड च भेजिया मदीने दे अंदर ए दुनिया दे जालिम जिस वक्त आए ने
ਇਹਨਾਂ 1700 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ 700 ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨਾ ਕਿਸੇ ਲਜਪਾਲ ਅਲੀ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹਸਨ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤਾ 700 ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਟੀ ਕੁਵਾਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਾੜਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤਕੜਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਗਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਗਾਰਾ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਛੱਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬੇਲੀਆ ਓਏ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲਵਾ ਛੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਡਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 8 ਬਾਰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਸਹੀ ਮਸਜਿਦ ਐਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਏ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸ਼ਹਾਦ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੱਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਤ ਕਰਾਈਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਉਕਬਾ ਹਯਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਉਕਬਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਉਕਬਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਨਮੀਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਉਕਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਠਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਵੇ ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੂਰ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਟੁਰ ਜਾ ਨਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪੜਨ ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਪਕੜਦਾ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਲਾਇਆ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਾਇਆ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਨ ਲੱਗਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਲਕ ਮਨਸਬ ਅਗਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫੇਫੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਮਲਕ ਮਨਸਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਕਰਬਲਾ ਚ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ 900 ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਕਰਬਲਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਐ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ 15 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ 15 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਧੀਆਂ ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਵਿਖਾ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸੈਯਦ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
جس وقت قیدی کیتا گیا عزیزان گرامی سیدہ زینب فرماندین زین العابدین جی پھپھو جی ان دنیا دے ظالمانو اکھو جس وقت لے کے قافلہ گزرنا اج انہاں سواریاں تے بیٹھیاں نے سیدزادیاں جدوں مدینے وچوں سیدزادی چلی ائی نا کچھ سواریاں تے پلانے آئے سونے کچھ سواریاں تے محمل دے کپڑے آئے اپنے ویر حسین دے سامنے گل کیتی پئی اے محمل دے کپڑے نے کچاوے بڑے سونے نے کچھ سواریاں نے جنہاں دیاں پشتاں تے کوئی کپڑا نہیں میری امامی علی مقام دی ٹھار نکل گئی فرمایا زینب جدو ویر نال ہون بہنا اس دا نال جاندیاں نے تے جدو اے ایتھوں چل کے کربلا تک جان گے جنہاں سواریاں تے پلانے کوئی نہیں محمل دے کپڑے کوئی نہیں زینب جدو تیرے ویر شہید ہو جان دے اس وقت کربلا تو اگے چلن گے زین العابدین جدو ایک قافلہ لے کے گزرن انہاں کمینیاں نوں آکھو میرے ویراں دے کول لے کے گزرن میرے ویراں حسین دے کول لے کے گزرن عزیزان گرامی جدوں سیدہ زینب نے فرمایا وے زین العابدین جی پھپھو جی آکھیا انہاں دنیا دے ظالماں نوں آکھو انہاں ہتھ کڑیاں لا لیاں نے ہتھ کڑیاں ڈکیٹاں نوں لگدیاں نے ہتھ کڑیاں چوراں نوں لگدیاں نے مینوں کوئی تے دسے سید زین العابدین نے کوئی چوری کیتی اے نا نا قسم رب دی اپنے نانا دے دین واسطے قربانی دتی اے سید زین العابدین نوں جدوں ہتھ کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں لگیاں نے سیدزادے دی گل وچ توک پایا گیا اے جویں رکوع دے اندر بندہ جاندا اے قسم پیدا کرن والے ایڈا توک وجنی اے سید زین العابدین چک کے چلدے نے چک کے چلدے نے جدوں سیدزادی سواریاں تے بیٹھی اے ادھر غازی عباس دے کولو جدوں قافلہ گزریا اے کیویں سیدزادی نے اپنے پیارا ویراں نوں آخری سلام کیتا ہوئے گا آنو محمد نوں چھوڑ کے علی اکبر نوں چھوڑ کے اپنے بھتیجے قاسم نوں چھوڑ کے سیدزادی جدوں چلی اے قسم پیدا کرن والے دی جدوں امام حسین دے لاشے کولو گزریاں نے سیدزادی لاشے تے گر گئی اے آ کے اپنے ویر دے سینے نال چمڑ گئیاں نے آکھیا حسین ویرا پہناں نوں ویر چھوڑ کے نہیں جاندے میں پردیس وچ کلی رہ گئی ہاں آکھیا لٹی گئی آکھے چوک وچ کربل دے تے ویکھ دریا جگ سارا لٹی گئی آکھے چوک وچ کربل دے تے ویکھ دریا جگ سارا ٹریا کوئی نہیں جہان اندر جویں ٹور کے چلیے زینب ویر پیارا عزیزان گرامی دنیا دا جالا ادھر عمرو سعد آواز ماردا زینب جلدی کرو قافلہ تہاڈی وجہ تو کھڑا گے سیدزادی مدینے ول منہ کر کے اپنے نانا دے روزے ول منہ کر کے عرض کردیاں نے نانا جدوں مدینے وچوں چلی سا میں پور پر کے چلی سا ہن سواریاں خالی ہو گئیاں نے صبر کر کے سیدزادی چلی ہے عزیزان گرامی جدوں قافلہ چلدا جا رہا ہے دنیا دے ظالم اک جگہ تے رک گئے نے انہاں نوں پیاس لگدی ہے اپنے خیمے لا لے نے جدوں خیمے لا لے خود جا کے خیمیاں دے تھلے بہ کے پانی دوروں آنا ہے پانی منگوان واسطے سیدزادیاں ریتے ڈلے تے بہ گئیاں نے واہ سیدہ زینب جدوں علی اکبر دا لاش آیا گے سیدزادی دے سر دے وال نہیں کھلے ایوں تے سنی اتفاق کر دے پے نے اللہ واسطے کوئی اہل تشیح بھی بیٹھا ہے اپنے ذاکرہ نال گل کر لوے سیدزادیاں دے سر دے وال نہیں کھلے جدوں امام حسین دا لاش بھی آیا ہے سیدزادی دے سر دے وال نہیں کھلے عزیزان گرامی جدوں ریت دے ڈلے تے سیدزادیاں بیٹھیاں نے دنیا دے ظالم پانی لے کے آئے نے آپ خود پانی پیتا ہے آپ خود پانی پیتا ہے پر سیدزادیاں اوتھی بیٹھیاں نے قسم پیدا کرنا لے دی کربلا تو لے کے کوفے تک کوفے تو لے کے شام تک سیدزادی تہجد بھی قضا نہیں ہون دتی او سیدزادی ایک نماز بھی قضا نہیں ہون دتی جدو دنیا دے ظالماں نے پانی پی لیا ہے چلن لگے نے کون سیدا سکینہ جنہاں دی عمر 5 تو 6 سال ہے کئی دن ہو گئے نے سوں کے نہیں ویکھیا ایک ریت دے ٹلے دے نال چھ
छोटी जी दाड़ी है तिया नाल प्यार करने वाले जिन्ना दिया तिया कर दे अंदर ने मैं मलक दी गल जरूर समझण दे ती सुबह बाप निकले पावे मजदूर होवे पावे गरीब होवे कसम रब दी बाप नू कोई चीज आखे सुबह तू लैके शाम तक बाप दी दिहाड़ी ना लगे लेकिन शाम नू लैके आंदा है ये कौन सही दा सकीना है जड़ी कर तू बार कदी कदम नहीं रखिया कौन ज़ैनब ने जड़ियां पैदल चल दिया ने ते लजपाल अली ने एक दिन आखिया जी ज़ैनब पैदल चल लिया कर थोड़ा थोड़ा पैदल चलिया करो अर्ज की बाबा मैनू अली अकबर नहीं टुरन देंदा मेरा उधरों वीर गाजी अब्बास नहीं चलन देंदा अजीजा ने ग्रामी सईदा सकीना रेता छोटा जा सराना बनाया है जदू सईदा जन्म टेक लई है कई दिन हो गए ने सी आजादी सौ के नहीं वेख्या पैरा विच चाले पै गए ने अजीजा ने ग्रामी काफला चल पिया जदू काफला चलिया सईदा सकीना उथे रह गईया ने थोड़ा जा दूर काफला गया है जय हौली दे हाथ विच मेरी मामे अली मकाम दा नेजे आला नेजा जी दित्ते मामे अली मकाम दा सर मुबारक है कसम रब दी हौली दे हाथ विच छुटिया है अज जमीन दे अंदर दनस गया के जदू जमीन दे अंदर दनसिया के ए यजीदी जोर लांदे ने लेकिन नेजा उता नहीं निकल रिया जदू सजदा सकीना नाल चलिया ने किवें किवें दसा कसम रब दी जिसने दे दे लजपाल हुसैन दा सर मुबारक है जिस पासे सकीना जांदियां ने उतो चेहरा ओ दरी फिर के हो जांदा ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਖੁਬਾ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਟਿੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਔਲੀ ਬੋਲਿਆ ਅਮਰੂ ਸਾਦ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸ਼ਿਮਰ ਜਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਤੌਕ ਵਜ਼ਨੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਗਿਆ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਗਏ सैयद ज़ैनुल आबदीन आंदे ने ज़ालिमा दस्ते सही मैं की कसूर कीता के अगे मेरे बाबा नू शहीद कर दिता है दुनिया दे ज़ालिमा मेरा जिस्म जुलसदा पिया बुखार दे नाल ना मार दुनिया दे ज़ालिमा जदों कोड़े मारदा लैके आया आंदा है ओ ज़ैनुल आबदीन तेरा बाबा जेड़े नेज़े ते वे ओ नेज़ा उता नहीं निकलदा पिया ना तेरा बाबा चलदा पिया है इमाम अली मकाम दा शदादा जदू सामने आया है हथ बन के अरद करदा के बाबा मैं बीमार हाँ बाबा मैं चल नहीं सकदा बाबा क्यों नहीं अगे चलते पे मेरी मामे हुसैन दे लबां विचों आवाज आई है ओ ज़ैनुल आबदीन जी बाबा आख्या पुत्रा जिन्हां दियां तियां परदेस च रह जावां ओ बाप किवें टुर सकदा है ओ ज़ैनुल आबदीन तेरी भैन सकीना पिछे रेत टिले ते रह गईयां ने मदीने अल मुंह करके आवाज पियां देंदियां ने करबला अल मुंह करके आवाज पियां देंदियां ने आंदे ने आवे दुख तकलीफ जे तियां नूं ते दिंदे मां प्यो आण दलासे आवे दुख तकलीफ जे तियां नूं ते दिंदे मां प्यो आण दलासे प्यो ना होवण ते पुत्र होवण थीवें दे वक्त विपासे आखरी वेले ज़ैनब वेदी रही के आसे पासे ते मते किसे पासू आ जावे मेरा गाजी वीर अबासे अजीजान गरामी मेरी मामी अली मकाम ने फरमाया ओ ज़ैनुल आबदीन मेरी ती सकीना पीछे रह गई ये जा फुफनू ना लेके जा कसम पैदा करन लदी करबला दे रेत ढिल्ले ते सैयदादी आवाज भी देंदी है बाबा
बाप तिया नू परदेस च छोड़ के नहीं जाते बाबा ती कली रह गई ती कली रह गई बाबा तुहाडे तू बगैर नींद नहीं सी आंदी बाबा ती कली रह गई है अजीजा ने ग्रामी सैयद जैनुल आबिदीन ते हजरत जैनब जदों गईयां ने जाके सकीना नू गल ना लाया गे लैके जदों चलिया ने दुनिया दे जालम हर पासे जदों कूफे दी सरजमीन ते आईयां ने जिहड़ा बाबे आजम दरवाजा है वड्डा दरवाजा है जदों सैयदजादी उत्थे आई गे आख्या जैनुल आबिदीन जी फुफो जी आख्या इस दरवाजे विचों मैं नहीं लगना फुफो जी क्यों नहीं लगना आख्या आख्या जैनुल आबिदीन कदी मैं अपने बाबा नाल तू शहजादी बन के गुजरदी सा अज किवें कैदन बन के गुजरांगी जैनुल आबिदीन ना दुनिया दे जालमां नूं आखो किसे होर दरवाजे लो लैके काफला टुर जा जदों इतनी गल कीती है इस दरवाजे ते एक सर मुबारक पिया है ओ लबां विचों आवाज आई मेरी भैण जैनो सबर करके गुजर जाओ जदों सईदा जैनब ने आवाज सुनी है हर पास दुनिया दे जालमी हुई बंदे ने बागी आ गए यजीद नाल लड़न वाले आ गए ने हर पास बागी बागी दी आवाज है दुनिया दे जालम ढोल पे मारदे ने दुनिया दे जालम शराब पे पींदे ने रब्बे काबा दी कसम जदों सईदा जैनब ने तकिया है मेरे वीरां दे लाश करबला दी सरजमीन च रह गए ने कौन है जेड़ा मैनू भैण कह के बुलांदा पिया है जदों सईदा जैनब ने अज करके छाती मारी है हजरत इमाम मुस्लिम दा सर मुबारक उत्ते पिया के सईदा जैनब फरमांदियां ने सच्ची ते रब दे कुरान ने आख्या है जेड़ा रब दे राह ते शहीद हो जाए ओनू मुर्दा ना आख्या जे सईदा जैनब सबर करके गुजर गईयां ने इन्हां बाजारां दे अंदर इमाम हुसैन दा सर लैके हर बाजार दे अंदर चक्कर पैलांदे ने ए कूफी ला यूफी दुनिया दे जालम हर पासू आवाजां दिंदे ने कोई सदके दियां खजूरां सटदे ने सारी रात सैयदजादियां बाजार दे अंदर खड़ियां रहियां दुनिया दे जालम करही वे ने आखर सईदा जैनब ने अपने बाबा अली दे लहजे विच खुतबा इरशाद फरमाया रब दी हमद सना बयान कीती अपने नाना ते दरूद पढ़िया आख्या दुनिया दे जालमो पहले खत लिख के मेरे वीर नूं बुलाया जे अज तुसी दुश्मन बन के सामने आ गए मेरे वीर नूं शहीद कर देता है अजीजा ने ग्रामी जदों ना सुनिया ए ते लजपाल अली दी आवाज वांगू खुतबा है शर्म दे मारे घरां विच टुर गए सुदा सुबह इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे विच सैयदजादियां पेश होईयां अजीजा ने ग्रामी गल मुक्त सिर करांगा फिर टाइम ते पहुंचांगा सैयदजादियां दरबार दे अंदर पेश होईयां ने हजरत इमाम हुसैन दा सर मुबारक तशत च रख के पेश कीता गया इब्ने ज़ियाद दुनिया दा जालम ओए इब्ने ज़ियाद दुनिया दा जालम अजीजा ने ग्रामी इंज करके इमाम हुसैन दे लबां ते सोटी मारदा है हजरत ज़ैद बिन अरकाम ने मेरे नबी दा गुलाम उठ के खड़ा हो गया आंदा वे दुनिया दे कमीनिया तेनू पता नहीं है कौन है ए ओ हुसैन है जेड़ा नबियां दे सुल्तान ते कदियां ते बहण वाला ए ओ हुसैन है जेड़ा नबियां दे सुल्तान दी जबान चूसन वाला ए ओ हुसैन है जिनू नबियां दे सुल्तान सीने ते लटांदे सन अजीजा ने ग्रामी हजरे अस्वद नूं इक वार मेरे कमली वाले चुमिया होवेगा दस मरतबा चुमिया होवेगा चौदह मरतबा चुमिया होवेगा पर कोई दुनिया दा बंदा नहीं दस सकदा इमाम हुसैन दे लबां नूं मदीने दे ताजदार कितनी बार चुमिया गए ते जदों ज़ैद बिन अरकम खड़े होए ने आंदे ने दुनिया दे जालम शर्म कर इन्हां लबां नूं नबियां दे सुल्तान चुमदे सन इब्ने ज़ियाद बोल के आंदा गए अगर तू बुजुर्ग ना होंदा मैं तेरा हुणे सिर कलम कर देंदा हजरत ज़ैद बिन अरकम बोल के आंदे ने कमीने ओ मेरी बुजुर्गी दा ख्याल ही जेड़ा नबी दे लब चूसदा सी ओ
उस हुसैन दा ख्याल नहीं तेनों रिया अजीजा ने ग्रामी चंद दिन काफला इत्थे रिया फिर चलदिया चलदिया हमस ते हमास दे रस्ते शॉर्टकट बल्कि शाम अंदर चलिया है अगो ये शिबर नूं पता चलिया के कुछ लोग मेन रात आंदे पए ने हुसैन दा पता चल गया है साडे कोलों सर जिहड़े ने ओह लैण ना लैण ये हमस ते हमास दे छोटे रस्ते दे विच पै गया पगड़ डंडियां नूं पै गया है एक राव दा गिरजाया के उस राव दे गिरजे दे नाल सर लाए ने आख्या जाके जल्दी नाल राव नूं बुलाओ अजीजा ने ग्रामी जदों राव नूं बुलाण लगे राव ते राव दी बीवी ए राव हाजी दा हफ़ज़े जदों इंज करके छत ते आया इमाम हुसैन दे चेहरे दे कोल आया है ए चेहरा हुसैन दा गे नबियां दे सुल्तान दी शकल है सोहना हुसैन नूरानी चेहरा प्या चमकदा है अजील दा हफ़ज़ राव बोल के आता है वेखनी करमा वाली है किड्डा सोहना चेहरा गे कितना प्यारा चेहरा गे जदों शिबर ने थले बुलाया है आता राव सानू रात रख लै राव दे मुकद्दर बदलन लगे ने राबा क्या तुसी पहले दसो आ कौन ने जिन्हां दे सिर तुसां नेज़ियां ते टंगे होए जदू इतनी गल की थी उधरों बोल के शिवर आंदा ते बागी ने रा बोल के आंदा तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाए ए चेहरे बागियां ते नहीं हो सकदे चलो मैं तुहानू बना देना जिहड़ियां सैयदजादियां परदे दे अंदर ने मैं अपने घर दे अंदर लै जावांगा रब ने अपनी घरवाली नूं कहा के इन्हां दी किस्मत च कसर ना छोड़िया जे जिहड़ा इमाम हुसैन दा सर मुबारक इंज करके थाल दे अंदर रब ने रख्या है फुल्लां बकड़िया लामा ते रखियां ने अतर ला के सारी रात ज़ियारत पिया करदा गे अद्धी रात दा वेला होया अजीजा ने ग्रामी जदों अद्धी रात दा वेला होया आवाज आई है राव कमरे तू बैरो जा राव कमरे तू बैरो ने एक पाल की आई है जिदे विच हजरत अम्मा हवा ने हर पासे नूरी नूर चमकदा पिया है अपने पुत्र हुसैन दी ज़ियारत करके गईयां ने फिर हजरत मरियम दी पाल की आई है फिर हजरत सफूर हजरत मूसा दी पैर दी पाल की आई है अजीजा ने ग्रामी राव फिर आंदा मैं अंदर दाखल होण लगा आवाज आई है राव जरा बाहर निकल जा हुण सोने हुसैन दी नानी अम्मा खदीजा तुल कुबरा आण लगियां ने जदों अम्मा खदीजा तुल कुबराईयां ने राव आंदा हर पासे नूरी नूर है हर पासे रोशनी रोशनी है फिर चंद लम्या तो बाद रोशनी खत्म हुई राव बंदा मैं अंदर दाखल होण लगा फिर आवाज आई है राव बैर हो जा हुण हुसैन दी मां ज़हरा आण लगी है मैं एक सवाल करना तेरी मेरी मां पुत्र दे लाशे ते जाए कसम रब दी बर्दाश्त नहीं कर सकदी अजीजा ने ग्रामी पर सईदा सईदा फातिमा सलामुल्लाह दी जदों पालकी आई है रब हथ जोड़ के नदरा चुका के खड़ा है आधा लोगो कसम पैदा करने ले दी हर पास रोशनी रोशनी है सईदा फातिमा सलाम अल्लाह अपने पुत्र हुसैन नु मुबारक दिंदियां ने नाले लबा नु चुमदियां ने नाले पुत्र दे रुखसार चुमदियां ने आदियां ने हुसैन मैं राजियां यो शर्त सिनान दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए ते लुटी जाए पवे चौक हुसैन दे पर नान दा जिंदा इस्लाम रह जाए रब आंदा जदों सब पालकियां चलियां गईयां मैं कमरे दे अंदर दाखल होया वां वेख्या ते हुसैन दे लब पै हलदे ने कुरान दी आवाज पई आंदी ऐ ते रब ने आख्या वेगा तू कित्थों दा वसदा कारी ऐ ते दस कै कुरान पढ़ाई तू कित्थों दा वसदा कारी ऐ ते दस कै कुरान पढ़ाई इवें कोई कारी नहीं अगे पढ़ सकदा ते जिवें तैं कुरान सुनाई या गोद रसूल दी पलिया है ते या खीर बतूल पिलाई अल्लाह जाने केड़ी मजबूरी है ते क्यों जालम सांग चढ़ाई
आवाज आई अकबर दा मैं बाबा खां अकबर दा मैं बाबा खां ते गाजी बेड़ा वीरे एक दीन दी खातर मत छोड़ दिती अखे नाने दी जागीरे लोग मैनू हुसैन दे ओ मेरा असल के नाम शबीरे जाने ग्रामी जदों काफिला इतों चलिया उधरों यजीद कमीने ने मुल्क शाम अंदर छुट्टी करा दी है हर पासे दुनिया के जालम खड़े ने हर पासे आवाजा पदेंदे ने सैयदादी करबला तूने मदीने तू लैके करबला करबला तू लैके कूफा कूफे तू लैके शाम तक अपने सिर का वाल नहीं नंगराउन दिता सर तू लैके कदमा तक सैयदादी परदे दे अंदर ने हर सैयदादी परदे दे अंदर है अजीजाने ग्रामी मुल्के शाम के अंदर दाखल होया ने दुनिया के जालम ने छतां ते लोग खड़े कीते ने अब मेरी गल दिल ते हाथ रख के सुनिया जे फालिए दे नौजवाना जिस बाजार दे विच बंदे खड़े होण तेरी मेरी भैण नाल होवे असी बाजार वला के लग जाने बच्ची पूछे इधरों क्यों ना गुजर दे बाप बोल कहंदा बेटी इधर लोग खड़े ने इस तू नहीं लैके जाता पिया मैनू दस दे सही आ ओ चादर तत्हीर दिया वारस ने जिन्हां दे सिर दा वाल नंगा हुंदा के सूरज परदा करदा के जिहड़ियां कर तो कदों कदम पैर नहीं रखिया अज दुनिया दे जालम अज दुनिया दे जालम शामी अपने छतां ते खड़े होके आवाजा बदले ने सैयदादी कोने दे विच खड़ी हो गई है अभी ते सूकिया बाजार दा नां है जिहड़ा यजीद दे दरबार च जांदा है उस कोने दे विच लगे सैयदादियां खड़ियां होईयां ने सारी रात मेरे नबी दियां नवासियां खड़ियां ने ए ओ ज़ैनब ए जिहड़ी नाना दे मज़ार ते वी जांदियां सन अपने बाबा दे नाल जांदियां सन ए ओ ज़ैनब ए जिहड़ियां नाने दे मज़ार ते जांदियां सन अठारह वीर सैडा ते हुंदे सन फिर नाने दे मज़ार ते जांदियां सन अज सैयदादी कोने दे अंदर खड़ी होई है दुनिया दे जालम लावा तू आवाजा दे दे ने बागी आ गए ने जाओ तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाए ए ते उहने ने ओ खड़ियां ने जिन्हां दी शान च कुरान उतरिया है ए ते ओ सैयदादियां ने जिन्हां दी ते जिन्हां नाल प्यार करना सैयदादियां नाल प्यार करना साडे ते फर्ज है अजीजा ने ग्रामी दुनिया दा जालम सारी रात ओए शराब पींदा रे अपने बेलियां दे नाल मेरे नबी दियां नवासियां गली दे विच खड़ियां रहियां बाजार दे विच सैयदा ज़ैनब लैके खड़ियां रहियां ने किवें किवें दर्द बयान करा अजीजा ने गरम एक छत ते औरत है बड़ी मालदार है अपनी नुकरानी नु कलदी है आ चंद दिरम दिनार लै जा जाके इस कैदर नु दे विया जे जिते अच्छा ते अत कड़ियां लगियां ने जिते पैरां विच बेड़ियां ने अजीजा ने गरम जिस वक्त औरत आई है आके दिरम दिनार दिते ने दिए आ सदके दे दिरम ने ओ मैनू दसो मौलवी सईदा दा सदका खांदे ने नकीब जितने बैठे ने सईदा दा सदका खांदे ने नात कान सईदा दा सदका खांदे ने मलक मनसब अपने बाबा दी गल नहीं करदा पिया लजपाल हुसैन दी करदा पिया सब कुछ मिल जांदा के उंज ना शुक्री करिए ते वर अपनी मर्जी है आए अजीजा ने ग्रामी तुसी मैं खाने सईदा दा सदका खाने जदों सईदा ज़ैनब दे सामने सदके दे चन दिरवां ते नारा ने सैयदादी वे के रो पई है आख्या असी सैयदादियां वा असी सदका नहीं लैंदियां औरत लैके वापस चली गई अजीजा ने ग्रामी जिस वक्त वापस गई है अपनी मालका नू जाके आती है ओना दिरम दिनार नहीं लै ए औरत चंद नदरां ने दियां चादरां लैके अज करके बारगा सईदा ज़ैनब दे विच आ गई अरज कर दिए नदरां ने दियां चादरां ने सईदा ने कबूल फरमा लिया ने फिर हुण
कलेजा फट जाए दर्द दा गवा क्या सुनान लगावा जदो सैयदा ज़ैनब ने उन सवाल कीता है लजपाल अली दी धी ने सवाल कीता है कसम रब दी रूह हुरा रो पईआं कौण कीआं फरिश्ते रो पै कौण गे इंसान ते इंसान परिंदे रो पै कौण गे ओ इतना दर्द मलक कोल नहीं के पता नहीं किवें सैयदा ज़ैनब गल कीती होवेगी अजीज़ां ने ग्रामी सैयदा ज़ैनब अदियाने मां जी इक दसो ना ए सारे लोग दुश्मन बन के कोई पत्थर मारदा है कोई सदके दियां खजूरां सटदा है कोई तालियां पे बजांदा है कोई साडा साथ देण वास्ते तैयार नहीं हर एक भागी भागी ब्यादा है मां जी तुसी कित्थों हो तुसी कौण हो जिहड़ा साडे नाल इन्ना प्यार पईआं करदियां हो इतनी गल कीती माई हत्थ बन के खड़ी हो गई आंदी बेटी तुसी परदेसी भी हो तुसी कहती भी हो मैं मदीने शहर दे रहण वाली आ जदों मदीने दा ना आया गे औखा वेला वे बाप दुनिया तू टुर जाए कसम रब दी पाई शदार कलेजा फट जाता है मां दुनिया तू टुर जा याद आवे शाहजी कलेजा फट जाता गे जदों सैयदा ज़ैनब दे सामने मदीने दा ना लिया गे जदों सैयद वसदे सर सैयदा ज़ैनब दी जान निकल गई है जदों अपनी 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 जदों सैयदा फातिमा सलामुल्लाह दा नाम लिया सैयदा ज़ैनब दी टाह निकल गई है आख्या बेटी मैं मदीने दी रहण वाली हाँ बनी फातिमा दे महल्ले दे रहण वाली हाँ हुण अगे नालों करीब आ गई सैयदा ज़ैनब रो पईआं अम्मा फिर अगे गल सुनाओ अपनी मां फातिमा सलामुल्लाह दियां जदों बेटी गल्लां सुनिया ने कितना दर्द नाल रोईआं खोण गईआं जदों इतनी गल कीती ए माई बोल के आंदी मैं एक यहूदी दी बेटी सा भला होवे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह दा जिस कलमा पढ़ाया के बेटी मैं सैयदा सलामुल्लाह दे घर विच नौकरानी रही सा मैं हसन नाल भी प्यार करदी सा हुसैन नूं भी लोरियां देंदी सा एक छोटी जी बेटी फातिमा तुज़हरा दी जिदा नां ज़ैनब ए सैयदा ज़ैनब किवें आवाज सुन रहीआं कौण गईआं मेरा अल्लाह ही जानदा है अजीजा ने गरावी फिर जदों आख्या नबियां दे सुल्तान डर गए अम्मा हुण की जानी है आख्या बेटी तुसी कहदी हो तुसी मुसाफर हो बेटी कहदियां दियां दुआवां कबूल दियां ने मुसाफरां दियां दुआवां कबूल दियां ने बेटी कोई अर्ज करनी आ मेरी बेटी दुआ कर देवो मैं मदीने टुर जावां नबियां दे सुल्तान दे रोजे दा दीदार करांगी मैं जाके ज़ारा फातिमा सलामुल्लाह दे मज़ार दी ज़ियारत करांगी बेटी दुआ कर देवो मैं जावांगी जिस हसन नू गोदी विच खिड़ांदी रही आं हसन दे मज़ार नू चुम लवांगी ऐ परदेसन बेटी दुआ कर दे तेरी दुआ कबूल हो जाएगी आखरी दिल दी असर दे जिस ज़ैनब नू गोदी विच खिड़ांदी रही उस ज़ैनब दी ज़ियारत कर लवांगी जिस हुसैन दी गोदी विच खिड़ांदी रही उस हुसैन दी ज़ियारत कर लवांगी अजीज़ा ने ग्रामी मैं सलाम करना फालिए दे नौजवानो जदों मां ने इतनी गल कीती है सैयदा ज़ैनब दी टाह निकल गई है कोने विच चर तू नका बटा गए सैयदा दी ने चर तू नका बटा गए आख्या अम्मा तेरी दुआ कबूल हो गई आ बेटी किवें कबूल हो गई है अम्मा तेरी दुआ कबूल हो गई आ असा परदेसियां दुआ कीती तेरी दुआ कबूल हो गई है अम्मा बोल के आंदी है बेटी किवें कबूल होई है आख्या अम्मा
आवेग ना जिस जैन वास्ते तू जड़ा गए जैन तेरे सामने खड़ी है जिस हुसैन दा दीदार करनाई गल्लां बंद करो बंद करो चुप कर जो सारे अजीजा ने ग्रामी जिस हुसैन नु वेखना ही जिस हुसैन दे कदम चुमदी चाहे और ने से ते वेख हुसैन दी वाह हुसैन तड करबला विच कुरान ने से ते पढ़दा वे इन्नी मान गल सुनिए उस वक्त आख्या जाओ वे तोडा बेड़ा गर्क हो जाए इंशाल्लाह तुसी तबाह हो जाओ जालिमो ए ते ओ हुसैन है ओ जेड़ा सोने नबी दे कंधियां ते बैठ जा सजदा लंबा हो जा ए ते ओ हुसैन विच जितने शराबी सन काबा भी सन बेहया सन अपने दरबार के अंदर कट्ठे कीते करके जदीद तख्त ते बैठा जदू कुत्ता तख्त ते बैठा तख्त ते बह के आवाज देंदा है आंदा है उन्हां लोंडियां नूं बुलाओ और मेरी जबान गवारा नहीं करती है लफ्ज बोलन ते समझांदा है सुरिया प्यावा मत किसे बंदे दे दिल विच शक ना रह जाए इतनी गल कीती है तैनू की पता चादरे तत्हीर दी वारिस ने कमीनिया तैनू की पता कुरान दी वारिस ने तैनू की पता शरीयत दी वारिस ने तैनू की पता है सारी कायनात दा सरदार कराना है अपने सिर दा ताज ला के आख्या पुत्रो मेनू तख्त दी लोड़ नहीं मेनू महलां दी लोड़ नहीं कोठियां दी लोड़ नहीं इक्को चानिया मैं हुसैन दे कदमां विच बह के ज़हरा दी गुलामी बाबुल मकबरा है उस जगह ते अम्मा फिजा दा मकाम है कब्रे मुबारक है अम्मा फिजा ने जदों इस कमीने दे लफ्ज़ सुने उठ के खड़ियां हो गईयां आख्या कमीनिया तेरी जुर्त किवें पई है मेरे सामने गल करन दी सारी कायनातियां वारिस ने तू किवें लफ्ज़ बोले ने रब काबा दी कसम है जिस वक्त सैयदादियां गल मैं क्लोज करना चाहना सैयदादियां जिस वक्त आईयां बड़े बड़े कमीने बैठे इंज करके इमाम हुसैन दा सर मुबारक इस जालिम दे सामने भी पेश कीता गया इस लजपाल ज़ैनुल आबिदीन आख्या ज़ैनुल आबिदीन तेरा बाप इक्तदार वास्ते आया सी हर की मैं जित गया ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया नहीं कमीनिया मेरा बाबा नाने दे दीन वास्ते आया है पैसे दी गल करना इक्तदार है पैसा लग जाए मेरा नाना सिर्फ मेरा बाबा सिर्फ अपने नाने दे मजार ते बैठा रहता इस तो बड़ा मजार कायनात अंदर कोई नहीं दुनिया बड़ा कुछ देती रहा नाने दी शरीयत आस्ते कमीनिया तू बहन नाल निकाह करन दा आख्या जलीला तू शराबी कबाबी सब कुछ हलाल कीता मदीने नू तीन दिन अपने अमले वास्ते हलाल कीता कमीने शरीयत दी हद तोड़ के अजीजा ने ग्रामी जिस वक्त अम्मा फिजा नाल गल कीती ना कौन है जिहड़ी मेरे दफ्तर दे अंदर मेरे दरबार दे अंदर इन्ने उच्चे लफ्ज़ बोले एदा सिर उतार के रख दियो हबशा दे लोग सन सिपाही सन जेड़े दे पैरा दे रहे सन रब काबा दी कसम तलवारां खिंच लईयां उन्हां क्या असीं हबशा दे रहण वाले आ साडे मुल्क दी इज्जत है खबरदार जिस अम्मा फिजल हाथ कीता हाथ कट के रख दियां दे जिस लेनी गल होई ना सैयदा ज़ैनब करबला मुंह करके मदीने अल मुंह करके आख्या नाना ए साडी नुकरानी है ते आस्ते हजारां तलवारां निकल आईयां ने नाना असी जन्नत से वारिस हां एक भी साडी सपोर्ट आस्ते नहीं निकलिया इन ज़ालिमा खुद लिख लिख के खत बुलाया मेरे वीर नु नाना बड़ियां गल्लां कीतियां अजीजा ने ग्रामी फिर इस दुनिया दे ज़ालिम भी वादा कीता मुख्तसर गल खत्म करो इस फिर ए भी वादा कीता सुबह जुमे दा दिन होवेगा ज़ैनुल आबिदीन जुमा दे पढ़ाएगा खुतबा तू देवेगा जिस वक्त सुबह दा वेला आया सरकार
सरकारी मौलवी ने सका चंपले कुत्ते बह जा मिंबर ते सरकारी मौलवी बह गया यजीद दी गल करना पिया यजीद दे पुत्रां दी गल करना पिया जिस वक्त अजान मुअज्जिन दी थी ना ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए कौन ज़ैनुल आबिदीन ओए मुस्कुरा के करबला वापसी नहीं पड़ी जाती पैसे कमाने वास्ते मुस्कुराया जाता है रब्बे काबा दी कसम फकीर बन के इस घर दी नौकरी रे कमी ना रवे बंदे 40,000 50,000 पहले काउंटे लगांदे ने ए फकीर दिन रात पढ़दा रब्बे काबा दी कसम इस बच्चे जोर लाया है इस क्या मलका एक बार लबा चबोल कितने पैसे लांदा मैं क्या कभी सोचना नहीं मेरे जिस्म दे टुकड़े हो सकते ने हुसैन दी शाह से दा पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा सुभान अल्लाह दर्द सारे मिलते अजीजाने ग्रामी जिस वक्त कमीने ने खुतबा दिता मौज़ा नज़ान देने लगा जिस वक्त आख्या ना शहादत अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह ज़ैनुल आबिदीन अगे हथ बन के खड़े जिस 40 साल मदीने की सरजमीन से जिंदगी गुजारी है पुत्र सीने ला के आख्या इमाम बाकर कदी करबला मैदान छुदो ना मैदान कदी मेरे ते सवाल ना कर तू बाबा क्यों आख्या जो अजान की आवाज सुन मेनू अली अकबर वीर याद आ जो कुरान की तलावत सुनना मेनू बाबे दी तलावत कर दिया मेनू जो मैं कसाईया दे हाथ विच छुरी वे ना ओए बाकर उस वक्त छुरियां तेज करके जानवर ज़िबा कर लेते ने पानी पिला के ज़िबा कर दे ने और जब मेरा बाबा शहीद होया 14 बार शिमर कीते ने जेड़ा खंजर आई कुड़ाई और तेज नहीं जब मेरा बाबा शहीद होया सर दुनिया दे जालम जुदा कीती मेरा बाबा 3 दिन दा प्यासा हाई अजीजाने ग्रामी गल मुक्त सिर हुण मदीने 5 to 6 मिनट मैं तुहाडे लैणा चाहना बड़ियां गल्लां होणियां जदीद कभी ने आख्या माल जितना ले दिल आपने फरमाया नहीं सन माल नहीं चाहिदा चलो जे तू माल देना तो फिर मेरे बाबा दे कातल दे छड़ यजीद नु बेगुनाह कहन वाले मेरा चैलेंज है ए सवाल करबला दे विच ना होए होण तारीख दे अंदर मौजूद ना होण ते मैं जिम्मेदार हां चैलेंज करके पालिए दी सरजमीन ते जादा पिया ज़ैनुल आबिदीन ने आख्या सब तो पहले ओ मेरे बाबा दे कातल ते दे छड़ यजीद दबू था थल्ले हो गया ओ ते नहीं मिल सकदे ते फिर आख्या तू होर की दे सकना दुनिया दे जालिमा फिर बशीर बिन नमानो फिर आख्या कि जो माल चाहना ज़ैनुल आबिदीन उन्हें पता लग गया मेरे करूं ही हुण सर को शुरू होने लगा अजीजाने ग्रामी बशीर बिन नमान नु काफले दे नाल कलिया जिस वक्त कूफे 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 ते मदीने दा राह आया ना काफला रुक गया कौन बशीर बिन नमान जेड़ा कूफे दे विचों बदली करके इब्ने ज़ियाद नु जालिम ने कूफे दा गवर्नर बनाया है अहले बैत नाल प्यार करने वाला कसम पैदा करने वाले दी उस वक्त भी जिन्ना सच्ची बैत अहले बैत नाल मोहब्बत की थी आज भी मिंबरां ते बैठ के मौलवी ना लैण दे ज़ाकर ना लैण दे क़यामत तक लैंदे रहण दे ते जेड़ा आज तू लैके क़यामत तक सईदा नाल वफा करेगा प्यार करेगा उन्हां दा भी झंडा बुलंदी हुंदा जांदी जिस वक़्त आया ना इस रस्ते ते आए मदीने दे ते कूफे दे रस्ते ते मेन रस्ते ते आखरी गल्लां ने हुण गल आखरी मेरी सुन के मैं इजाजत मंगना चाहना नमान बिन बशीर अंदर ने ज़ैनुल आबिदीन जी 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 और मदीने जाना है या करबला जाना है
इन्नी गल की सैयद ज़ैन अलाउद्दीन फरमाते ने मैं अपनी फुफू को पुछ लवा जेडे इस लश्कर दे कमांडर ने सुपर सलार ने मैं पुछ लवा फुफू मदीने जाना है या करबला जाना है। सैयद ज़ैन अलाउद्दीन अखां विचों आंसू आ गए आख्या ज़ैन अलाउद्दीन तेन पता मैं लाशा एवं छोड़ के आई कैनात अंदर कोई भैन ऐसी मैं नहीं वेखी जेडे वीरां दा लाश छड़ के या आम मैयत छोड़ के गई होवे। वाह सैयदा ज़ैनब तेरी मैं अजमत तू सारियां खताबतां वार दे। अज़ीज़ान ग्रामी जिस वक्त चलियां ने आख्या ज़ैन अलाउद्दीन जी पुप्पो जी आख्या करबला जाना है जदों करबला वाले चलिया ने हूँ सैयदा ज़ैनब जदों अपने वीर दे अपने रोजे मुबारक दया ने गादरिया बस्ती दिया लोगों जनाजा किया इंशाला बसदारो मॉडर्न सोना लिया अल्लाह इज्जत दे भी जदों वीर दे मज़ारा ते सैयदादी आई है फिर किमें दर्द सुनाया होगा फिर किमें दसिया वेगा हुसैन वे वीरा मैं करबला तू लैके कूफे गई पैदल चलती गई छपंजा सौ मील सैयदादी ने तकरीबन फैसला किया है पैदल चलदिया रही ने छपंजा सौ मील फासला किया है। सैयदादी ने 72 कुरान रस्ते पड़े ने 144 गलिया सैयदादी गुजरी है 228 मोड़ा तू गुजरी है 36 वड्डिया शहरों के सैयदादी गुजरी है। अजीजा ने ग्रामी जदू इमाम हुसैन दे कोल आईया ने अपने वीर दे मैदान ते गिर गईया खुण गईया आख्या वेगा शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना कौन निमानिया पैना शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना कौन निमानिया पैना जिस पैर दा वीर ना कोई जिस पैर दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लैना। अजीजा ने घर कदी अपने पुत्र आना मुहम्मद के मजार ते गई ने कदी अली अकबर जिन्हों 18 साल पालिया गए जेड़ा तस्वीर है मुस्तफा है हजरत इमाम हसन सर तू लैके नाभ तक नबिया के सुल्तान की तस्वीर ने नाभ तू लैके कदमा तक हुसैन तस्वीर ने कैनात के अंदर एक वाद अली अकबर है जेड़ा सर तू लैके कदमा तक नबिया के सुल्तान की तस्वीर है। अजीजा ने ग्रामी मजार ते हाजरी दी होगी फिर सैयदादी ने किवें दर्द सुनाए होणगे फिर दस्या वेगा हुसैन मैं पैदल चलती रही अज रातां जाग जाग के कड़दी रही वेख ला हुसैन तू आख्या सी ज़ैनब जदों मैं शहीद हो जावा सिर तू दुपट्टा नहीं उतरना चाहीदा अज भी सैयदादी परदे दे अंदर है। अजीजा ने ग्रामी जिहड़ा सैयदादियां जां सैयदादियां दा दिफा ना करे असली हरामी उन्हों समझ आ जाए तेरी मेरी बेटी का दुपट्टा उतर जाए एक ढेरे विच जाके बंदा गल करे दूसरे भावे गरीब की बेटी होवे एदी बेटी का पर्दा उतर गया है एदी बेटी का दुपट्टा उतर गया है वह गरीब भावे बिल्कुल माड़ा होवे तीसरे डेरे विच जाके बड़े बड़े डेरेदार ते तना बंदे बैठे हो गरीब बंदा कदमां ते गिर जाता है आंदा बार बार मेरी बेटी के दुपट्टे का ना गल कर मैं गरीब जरूर हाँ मेरी बेटी दे दुपट्टे दी गल ना कर। सैयदादे ला वारस नहीं है कसम रब दी सारी कैनात दे सैयदादे वारस ने जदों अपने वीर दे मैदान ते आईया आखिया वीरा तुसां आख्या सी वाल नहीं खुलने चाहीदे तुसां आख्या सी अपने चेहरे ते इंज करके नाखट नहीं मारने वेख लै सैयदादी सिर तू लैके पैरां तक दुपट्टे विच खड़ी हुई आ पैरां विच छाले भी पै गए ने लेकिन सिर तू दुपट्टा नहीं उतर दिता सब सैयदादियां परदे दे अंदर ने। अजीजा ने ग्रामी तीन दिन सैयदादियां जदों इत्थे रहियां ने हजरत रुबाब एक साल इत्थे रहियां ने कौन रुबाब तेरा मेरा पुत्र मरे ते अख विचों आंसू आंदे तेरा मेरा वीर मरे ते टाई मार के रोंदे ए हुसैन दा अली असगर पुत्र है जिंदा जिसम फुल्लां दियां पंगड़ियां तू नरम मुलायम है रब्बे काबा दी कसम है ए अली असगर दी मां हजरत रुबाब जिस तो सूट पा के टुरिया जी लजपाल हुसैन दे ने रुबाब लोकी एक सूट पांदे ने तुसां दो पुत्र नूं
बूट पा के अलविदा पिया कर दिया अरद की आका मैनु पता है मेरे पुत्र टुर जाना है फिर वापस नहीं आना आका बस एक बिच पुत्र नु दफन कर देवांगी एक पुत्र दा जड़ा कमीज घर वापस ले जावांगी जदू मदीने बिच औरतां अपने पुत्रां दीआं गल्लां करनगीआं मैं भी अली असगर दा सूट चुम लवांगी एक दिन भी हजरत रुबाब साए ते नहीं बैठियां धुप ते बैठियां रहियां ने साल तो बाद मदीने बिच आईआं ने सईदा ज़ैनब ते हजरत रुकिया ने कसम रब दीआं क्या भाभी आओ सही आ जाओ साए ते बह जाओ जिन्नी उम्र गुजरी है तू पे गुजार छड़ी है अगे सैयदा दियो तुहाडी गल नहीं मोड़ सकदी मेरा अली असगर प्यासा टुर गया है जिन्ना मावां दे पुत्र प्यासे टुर जावन ओ साए ते किवें बह सकदियां ने अजीजान ग्रामी साल करबला दी सरजमीन ते रहियां ए तू सैयदादियां दा काफला चलिया है जदों मदीने दा बार्डर आया के जदों मदीने दा बार्डर आया के सईदा ज़ैनब ने आवाज दिती ज़ैनुल आबेदीन जी फूफो जी आवे को ना केड़ा शहर नजर आया गे बंदे मदीने विचू रोवा निकलन भाई शहजाद विचू डावा निकल जांदियां ने मदीना छोड़ के हुसैन जान वाला जदू सईदा ज़ैनब ने आख्या ज़ैनुल आबेदीन जी फूफो जी आवे को ना किदा शहर आया गे ज़ैनुल आबेदीन गुंबद खदरा वल वेख के अरद करदा फूफो मेरे नाने दा शहर आ गया गे मदीने वल मुंह करके सैयदादिया दिए हुसैन तू साया कि असी सकीना नाल लेके जाया जे ज़ैनुल आबेदीन लेके जाया जे ए मेरी अमानत मेरे पुत्र ते ओथे तू सा रख लेने आ वेख ले तेरी जोड़ी लेके मदीने आ गई आ उधर मदीने दे लोग निकल आए अजीजा ने ग्रामी नबिया दे सुल्तान ते रोजे ते गल मुक गई सईदा ज़ैनब ने कुरान पढ़िया के अम्मा फिजा ने कदे ते हाथ रखिया है अग्या ज़ैनब जी अम्मा फिजा अग्या बस कर दे तू कुरान भी पढ़नी है इंज प्या लगदा है जिवें नबिया दे सुल्तान दा रोजा प्या खिलदा के जदू इतनी गल कीती है अजीजा ने ग्रामी सईदा ज़ैनब ने आख्या वेगा कुल नबिया दे सुल्तान नाना कुल नबिया दे सुल्तान नाना ते मैं अपना सफर मुकाया कुल नबिया दे सुल्तान नाना ते मैं अपना सफर मुकाया एक दीन दी कातर बचड़े वीर कुआया ते पैकारी कुरान दे पढ़दे रासल पैकारी कुरान दे पढ़दे रासल पैकारी कुरान दे पढ़दे रासल मैं ते एक एक लफ्ज बचाया क्यामत तक कोई शिमर ना होसी क्यामत तक कोई शिमर ना होसी मैं ते सारे यजीद मुकाया यो शरत जिनान दा दीन रह जाए ओ दियान रह जाए ओ दिशान रह जाए यो शरत जिनान दा दीन रह जाए ओ दियान रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए पवे चोक हुसैन दी लुटी जाए पवे चोक हुसैन दी पर नान दा जिंदा इस्लाम रह जाए अल्लाह सलामत रखे भाई मेरे भाई शहजाद नु जितने इंतजामिया ने अगर भाई जितना मजमा बैठा मेरे कोई गलती होगी होवे तो मैं माफी मांगदा परदेसी बंदा आराम च कोई पता नहीं लगता किस वक्त गड्डी रह जाए जे मर गया तो इतना करया जे दुआ कर छड़या जे अल्लाह अपने हबीब दे सदके साडी इस महफिल नु दुनिया दा दिखलावा ना बनाया अपनी बारगाह च कबूल वाखर दावा ने